अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ाद शहबाज खान, शिबली टाउन का इलाका और महज़ब लोग यहाँ रहते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, लेकिन सूरत हाल अगर यहाँ की आप देखें तो सारे का सारा इलाका जो है वो गंदगी का ढेर बन चुका है। और इस गंदगी के ढेर में यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे, यहाँ के बच्चे स्कूलों में कैसे जाते होंगे और लोग मस्जिद में कैसे जाते होंगे, ये अहम तरीन सवाल है। मेरे कैमरामैन जो इस वक्त मोटरसाइकिल पर सवार हैं और इस एरिया को मोटरसाइकिल पर और चिंगची रिक्शे पर कवर करना भी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि आप गारे का वो ढेर देखेंगे जिसमें टायर स्ट्रक हो जाते हैं और टायर भी जो है वो फिसल जाता है। अगर यहाँ जितने भी आप गटर देखें तो उनके मेन होल जो हैं वो आपको ढक्कनों के बगैर नज़र आएंगे, जहाँ बड़ी तादाद में बच्चों के गिरने के वाकयात पेश आते हैं, लोगों के गिरने के वाकयात पेश आते हैं, रिक्शे उलटने के वाकयात पेश आते हैं। अब ये पूरा इलाका जो है चिंगजी रिक्शे को धक्का लगा के यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। सवाल सबसे बड़ा ये कि बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उससे महरूम ये इलाका, और ये सीवरेज लाइनों के साथ भी कनेक्शन में जब ये गंदा पानी जाता है जो पूरे के पूरे इलाके को वबाई अमराज में और अपनी झकड़ में लिए हुए है, ये सारा इलाका यहाँ के रहने वाले, यहाँ के मकीन किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करते होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे ख़ास तौर पर बच्चे जिनका काम है क्रिएटिव चीज़ें सोचना, क्रिएटिव काम करना, पढ़ना लिखना, तहकीक और शऊर की दावत देना, दावत फ़िक्र देना, वो बच्चे इस माहौल में कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये बच्चे जब यहाँ से और इस माहौल से उगताए हुए बच्चे किस तरीके से अपना रिसर्च वर्क करते होंगे और क्रिएटिव थॉट उन्हें कैसे आता होगा, ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। और इस क्रिएटिव थॉट के होते हुए फिर भी यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, स्कूलों को जाते हैं, लेकिन अलमिया है इन बच्चों का कि जब ये अपनी बालकनी से बाहर झांकते हैं यहाँ स्कूल जाने के लिए, जब स्कूल चला करते थे, जब लोग स्कूल जाते थे तो तब यहाँ क्या हालात होते थे, ये बड़ी अहम तरीन बात है। सबसे बड़ी बात ये अलमिया है यहाँ के लोगों के लिए हालात की ख़राबी का, अलमिया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ से गुजरना होता है, अलमिया है उन बुज़ुर्गों के लिए जिन्होंने यहाँ से हॉस्पिटल्स और दीगर इलाकों का दौरा करना होता है। और यहाँ एक दफ़ा आप अंदर आ जाएँ तो यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता है। बरसात के मौसमों में ये नदी नाले का रूप धार जाता है और यहाँ मेन होल के खुले होने की वजह से बच्चों के गिरने के वाकयात दिन रात जो हैं वो मंजर आम पर आते रहते हैं, टीवी पे रिपोर्ट भी होते हैं। हिम्मत है इन लोगों की, ये किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, कैसे ये ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ इस तफन में एक लम्हे के लिए भी रुकना नामुमकिन है। अगर आप इस इलाके का सर्वे करें और पता करें कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ प्रॉब्लम्स हैं और इस माहौल की वजह से और इस गंदगी की वजह से कितने बड़े पैमाने पर वबाई अमराज यहाँ जन्म लेती हैं, तो महकमा हेल्थ जो है वो भी शशदर रह जाए, इस तरह का सर्वे भी करना चाहिए। और आज का प्रोग्राम उन बच्चों के नाम जिन्हें यहाँ से स्कूल जाने के लिए ना सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि बाज़ औक़ात तंग आकर वो स्कूल ना जाने का फ़ैसला करते हैं और घरों में चले जाते हैं। कोरोना वायरस से पहले के दिनों की बात हम कर रहे हैं, अभी चूँकि स्कूल में छुट्टियाँ हैं और बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे, लेकिन ये वाक़या, ये हालात यहाँ पूरी की पूरी आप गली में जहाँ भी चले जाएँ आपको मेन होल खुले हुए नज़र आएंगे और ये सारा इलाका गटर बन चुका हुआ है और रूढ़ी का मंज़र पेश करता है। इस तफन में, इस माहौल में, इस गंदगी में और इन गंदगी के भभोकों में और बदबू के भभोकों में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे, ये वो सारे मौजूदात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो, वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमें हमारा हक दो। शिबली टाउन का इलाका
और यहाँ के मकीन जो है सारा दिन सारी रात 24 घंटे एक ही मसला है जिसको ये हल करने की नाकाम कोशिश करते हैं। ये सुबह जब उठते हैं तो आपस में मिलते हैं और गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, फिर मुख्तलिफ इदारों तक भी जाते हैं, अहम तरीन पावरफुल लोगों तक भी जाते हैं, शाम ढले वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद जब ये सो जाते हैं तो अगली सुबह दोबारा ये काम करते हैं। साला साल से शिवली टाउन के लोगों का एक ही मसला है कि आप यहाँ गलियों में फिर नहीं सकते, यहाँ गलियों में बाहर नहीं निकल सकते। इमरजेंसी हो, खुशी से बाहर जाना हो, गमी से बाहर जाना हो, अद्वियात लेने जाना हो, दही लेने जाना हो, दूध लेने जाना हो, तो दुनिया की कोई चीज़ आपने लेने जाना हो, इवन आपने शॉपिंग करने जाना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सारे कपड़े जो हैं वो गंदे ना हो। नमाजी जितने भी हमारे भाई हैं रेगुलर मसाजिद में जाते हैं, वो मसाजिद में नहीं जा पाते। सबसे बढ़कर प्रॉब्लम बच्चों को है। बच्चों के दिल में खौफ अगर घर कर ले तो बड़ा आदमी नहीं बन पाते। बच्चों के दिल में क्रिएटिविटी घर कर ले, तख्लीक, तहकीक, तो वो बड़ा नाम बन जाते हैं। आप सोचें और इमेजिन करें कि साइंटिफिक इजादात हों या मुर्रखीन हों या बड़े डॉक्टर्स हों या उस्ताद हो, कोई मुहक्क हो, कोई दानिश्वर हो, ये वो सारे नाम होते हैं सोसाइटी के जो लोगों को गाइड करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सहमे हुए हैं, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। बड़ी वजह यह है कि बाहर जब निकलते हैं तो इस कदर गारा और गंद है कि आप चिंगची रक्षे पे भी वो पार नहीं कर सकते। चिंगची रक्षे को भी 10 बंदे धक्का लगाते हैं तो वो कुछ फिट आगे जाता है और फिर खड़ा हो जाता है। इस कदर हालात यहाँ ख़राब है और इस आबादी में ये किस तरीके से गुजारा करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि ये कैसे गुजारा करते हैं। क्या हाल है जी आपका? क्या करते हैं सारा दिन? सारा दिन सर आपके सामने यहाँ पे तो हमारा ये हाल हो गया है कि अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो यहाँ पे वो पहुँचता ही नहीं है। कोई फौतगी हो जाए तो हम जनाजा अपना उठा के किसी और मोहल्ले में चले जाते हैं, वहाँ जाके दफन का बंदोबस्त करते हैं, वहाँ जाके अपनी रसूमात जो है वो अदा करते हैं। यहाँ से जनाजा गुजारना, यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना एक अजाब बन चुका है। इन लोगों ने हमेशा, ये भी लाहौर के रहशी हैं, ये भी पाकिस्तान के रहशी हैं, हमारे साथ ये इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है? ये ड्रेन गवर्नमेंट ने डाली है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने ड्रेन डाली हुई है, लेकिन इसकी सफाई करने के लिए वो इसको ऑन ही नहीं कर रहे। हमें बिल्कुल जा के चक्कर लगा लगा के दफ्तरों के हम थक गए हैं, लेकिन हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक के एक्सीएन साहब के पास गए, एसडीओ साहब के पास गए, डीएमडी साहब के पास गए, एमडी साहब के पास गए, और वहाँ से भी हमें सिर्फ तफल तसलियाँ मिली हैं कि जाएँ जी काम हो जाएगा। तकरीबन 8 माह हो गए हैं इस ड्रेन के ऊपर ड्रेन चल रही है, यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, यहाँ पे औरतें हमारी बाहर सब्जी लेने के लिए नहीं जा सकती, घरों से बाहर नहीं निकल सकती, हम ज़हनी मरीज़ बन के बैठ गए हैं। यहाँ पे ये पोजीशन भी सर हो गई है कि लोगों को ख़ारिश पड़ गई है, गंदे पानी से गुजर गुजर के लोगों को ख़ारिश पड़ गई है, लोग बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे इस तरह के माहौल भी बना है कि यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, उनकी वाइफ का मसला था, वो बेचारे अपना घर बेच के खाली करके किराए पे चले गए। यहाँ पे 95% दुकानें खाली हो गई इस रोड से, 95% घर खाली हो गए, लोग बेचारे यहाँ से अपने मकान छोड़ के किराए पे जाके रहने पे मजबूर हैं। जी यहाँ का हाल हो गया सर। हम वजीर आजम पाकिस्तान से इमरान खान से गुजारिश करते हैं कि आप जब वोट लेने के लिए आते थे तो आप कहते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, और कभी कभी आप आसमान की तरफ भी देखते थे। नया पाकिस्तान बनाने की तकरीर के दौरान आसमान की तरफ भी आप देखते थे, तो हम सोच रहे हैं कि नया पाकिस्तान कहीं आसमान पर तो नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर तो हमें नया पाकिस्तान नज़र नहीं आया, कहीं आसमान पर तो नहीं नया पाकिस्तान आपने बना दिया? वज़ीर आज़म साहब, आप शिवली टाउन में आएँ, हम आपको दिखाएंगे नया पाकिस्तान क्या है, ये कैसा नया पाकिस्तान है। आपने हमारे लिए आपने अजाब बना दिया है। हमारी जो गली है नून लीग के दौर में साफ़ सुथरी थी, हम अपने घरों में सुकून से जाते थे, सुकून से आते थे। अब हमारी गली में इतना ज़्यादा पानी है कि हम घरों में कैद हो गए हैं।
ना हम घरों में जब आते हैं ना बाहर निकल सकते हैं, जब बाहर जाते हैं अपने घरों में नहीं आ सकते। अगर कोई आदमी फौत हो जाए उसका जनाजा नहीं हम पढ़ सकते, कोई नमाजी मस्जिद में नहीं जा सकता, हम बहुत परेशान हैं। वज़ीर आज़म साहब, आखिरी बात यह है कि बातों से तकरीरों से हमारे पेट नहीं भरते, कुछ करके दिखाएं। आपके लिए मैं एक शेर बना के ले आया हूं, ये आपकी नज़र है, आप सुने। वजीर आजम साहब, ये शेर आपकी नज़र है। जे मैं वेखा तेरे कम्मा वल्ले ते कुछ नहीं तेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरे कम्मा वल्ले ते कुछ नहीं तेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरियां तकरीरां वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। वाखर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या हालात हैं जी, और क्या करते हैं सारा दिन, कैसे गुजर बसर होता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जैसा आपने देखा है हमारे एरिए को कि हर तरफ गंद ही गंद है, हमें जो तब्दीली का लॉलीपॉप दे के इस आवाम को बखेड़ों में डाल दिया है। और वज़ीर आज़म साहब को हमने क्या कहना है, यहाँ के जो लोकल बॉडीज़ हैं वो भी बिल्कुल नाअहल हैं, ना किसी को कुछ बता सकते हैं, ना कुछ खुद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मां जी आपके? कोई तंगी को मसला है तो बताएं। तंगियां ही है, देखो पानी दे हाल है, कोई जानदा आंदा किस पासे, ऐ साफ कर दो, मेरे मेहरबानी तुहाडी, ऐ सही करा दो। ते किस तरह गुजारा करदे हो, किस तरह लंघदे हो? हुण वक्त करना ते हैगा ही, हुण की करिए। अस्सलाम वालेकुम मां जी, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह। ए बच्चो बिछड़ जा, जीन दे दो, अल्लाह तेनू बोता दे वे चांद को जिंदगी चाहिए। गंदा पानी ताड़े आले दुआले खड़ा है सारा, ते की करी, परेशानी नहीं होंदी? एक बारी भी बेरी इधर खास आंदे सद के लिया, कोई भी नहीं सौंदा, जाने पैर खराब हो जाए। पूछदा गरीबा नु कौन पूछदा, गरीबा ने मल्ले इस तरह गंदे ही रहने ने। काका अगे करना चाहता जी, हूँ कोई सुनता ही नहीं, तो कहना की है, थोड़े सामने ही है, किस तरह दुनिया रही है, कि लंघ जी है। शुक्र है, ये तुम हूँ सरे चुको करो कुछ, आप ही हो जाए। ये जी, यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे। और बेटा क्या नाम है आपका? जीन है। किस क्लास में हो? थ्री क्लास में। तो ये आपको तंगी नहीं होती स्कूल जाते हो? होती। कैसे जाते हो? बोलो बोलो, कैसे जा रहा है? मुश्किल है। किस जाते हो? आप क्या नाम है क्या बेटा? उमर। उमर भाई, कैसे स्कूल जाते हो, क्या करते हो? बहुत तंगी होती है मैं स्कूल जाते हुए। आपका क्या नाम है? अली हसन। अली भाई, पढ़ते हुए मसला नहीं होता यार, ये जाते हो आप, क्या बनना है आपने बड़े होके? आर्मी में जाना, तो इधर का आर्मी जाते जाते तो हम गिर जाते हैं, फिर छुट्टी हो जाती है स्कूल से, तो कभी कीचड़ में गिर गए, कभी ये गटर में गिर गए, ऐसे ही होता है, बुक्स गंदी हो जाती है। आप क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर। किस क्लास में आप? सिक्स में। सिक्स में, तो आप लोगों का इलाज किया करोगे, है ना? तो यहाँ से गुजरोगे तो इलाज करोगे ना? सर ये हम पीछे से चले जाते हैं पापा के मोटर बाइक से, नहीं तो फिर दूसरी तरफ से चले जाते हैं। ये रास्ता बंद है? ये रास्ता बंद हो जाता है हर बार, इधर बारिश का गंदा पानी खड़ा हो जाता है। आपने क्या बनना जी बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना? हाँ जी। किस क्लास में आप? वन में। वेरी गुड, शाबाश। तो क्या इधर के हालात हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा हमें समझाएं। हम जाते हैं स्कूल में तो कभी पानी में गिर जाते हैं, कभी गटर में गिर जाते हैं, तो हमको तंगी होती है जाने के लिए भी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मुकद्दस। बेटा किस क्लास में हो? टू में। वन में के टू में? टू में। क्या बनना है आपने बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर, तो इधर से कैसे गुजरोगी? डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है सड़क साफ हो, चिक्कड़ है, गारा है, गंद है, रूढ़ी बनी हुई है। तो आप अपनी सहेलियों को बताती हो कि आप इस कदर गंदे माहौल में रहती हैं? बताती हूँ। कौन सी बेस्ट फ्रेंड है आपकी?
मुकद्दस यही है, मोहल्ले में रहती है। मोहल्ले में रहती है। स्कूल में कौन सी आपकी दोस्त अच्छी है? कोई है दोस्त आपकी? कौन? नाम बताओ। नाम क्या है? हमना। तो हमना को कभी बताया? हमना को मैसेज बताओ, वो टीवी देख रही है इस वक्त। हमना को क्या मैसेज दोगी बताओ? हमना से बात करो, वो सुन रही है आपको। हेलो बोलो हमना को। हमना को उसका घर बहुत दूर है। लेकिन टीवी पे तो देख रही है ना बेटा। हाँ वो टीवी में देखते है जरा। आपको सुन रही है, आपको देख रही है। क्या कहना चाहोगी आप हमना को? क्या मैसेज दोगी? कहो क्या कहना है। बाय बाय कर दो हमना को। बाय बाय कर दो कैमरे के अंदर। हाँ तो हमना ने भी डॉक्टर बनना है कि तुमने अकेली ने बनना है? मैंने भी बनना है। आपने भी बनना है। पढ़ते हो दिन में? जी। तो कोरोना वायरस से भी बचने के लिए कुछ करते हो? क्या करते हो? तो मास्क नहीं पहनते? मास्क पापा ने लेके देता। नहीं दिया लेके? नहीं। पापा का क्या नाम है? पापा को बोलो मुझे मास्क लेके दो। हेलो बोलो पापा। तो पापा मुझे मास्क ले दो। कह दो पापा मुझे मास्क ले दो। हाँ शाबाश। बच्चे यहाँ क्या जी जो मुस्तकबिल है, यहाँ के हालात आपके सामने है, कैसे गुजारा बाजी करते हैं यहाँ से? मुश्किल कर रहे हैं। हूँ आवाजार हो गए हैं, हूँ लंघन टप्पर तो आवाज आ रहा है। साड़ी गरीबां की कोई सुन नहीं दिया, बड़ी आवाज आ रही है। बच्चे डिगते ने, मुसीते जाते ने, गिर जाते ने, स्कूल जाते ने, गिर जाते ने, असी निकले हैं गिर जाने हैं। असी बहुत तंग है, बहुत आवाज आ रहा है, असी इतों निकल नहीं सकते। हूँ तो यह है भी इतों सारी आवाम निकल जाए। साड़ी गरीबां की कोई सुन नहीं दिया, जिधर जाने वो गल ही नहीं सुनते, जिधर जाने गल ही नहीं सुनते। भाजी कैसे निकलते हैं यहाँ से? बेटा बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल नाल इतने गुजरने, बीमार खरे किडे वक्त नाल इतने गुजरने। तो मेहरबानी थोड़ी जे इमरान खान कह के कुछ करवा दो। था छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, बड़ा मसला होता होगा। क्या करें भाई, मजबूरी है, क्या करें? कुछ नजर नहीं आता, हम क्या करें? किसी को भी नजर नहीं आता को, क्या किसी को भी नहीं कुछ नजर आता। कैसे गुजारा कर रहे हैं? अरे हेलो गुजारा हो ही रहा है, गुजारे की केड़ी गल, ओके सोके गुजारा कर ही रहा है। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान इरशाद। अब्दुल रहमान इरशाद, किस क्लास में हो? थ्री। थ्री में? तो ये जंपिंग पैड के ऊपर आप जंप करते हो? हाँ जी। है? कितने पैसे देने पड़ते हैं? दस रुपए। कितनी देर जंप करने देते हैं? थोड़ी देर के लिए करते। कितने जंप करते हो? पाँच दस कितने? थोड़े से। थोड़े से, फिर कहते हैं दस रुपये और दो, है ना? तो आप इतना जुड़ के क्यों बैठे हैं सारे? वैसे कोरोना सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान कौम, कोरोना सेलिब्रेट भी करती है साथ साथ। यहाँ अल्लाह माफ़ करे सेलिब्रेशंस करते हैं। ये यहाँ के हालात हैं, ये आप सारी सूरत हाल देख सकते हैं। ये लोगों की रहाइश के एरियाज़ हैं जहाँ वो रहते हैं, उन सारे एरियाज़ के हालात हैं। और इन सारे लोगों के बेशुमार यहाँ मसाइल, और इन बच्चों के यहाँ होते हुए नामुमकिन हो जाता है आपके लिए कि आप यहाँ के हालात देखें। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये लाहौर का एक इलाका नहीं है जिसके ये हालात हैं। बेशुमार बीसियों ऐसे इलाके हैं जो इसी कर्म का शिकार हैं। वो सारे इलाके मैं चाहूँगा आप देख लें कि वो इलाके कौन कौन से हैं और क्या मसाइल हैं। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्कूल टीचर हूँ। और आप उस्ताद हैं? जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या पढ़ाते हैं उस्ताद मोहतरम आप? जी हमारा प्राइमरी स्कूल है, फाइव तक पढ़ाते हैं, मैथ इंग्लिश जो है ना उर्दू सब पढ़ाते हैं। तो ये बच्चे स्कूल इधर से कितनी दूर है? ये तकरीबन 2 किलोमीटर। कितनी तादाद है आपके पास? तादाद हमारे पास अब जो है ना कम हो गई है, 400 थी अब 300 रह गई है। इधर से जितने बच्चे हैं ना उस स्कूल में जाते थे, ये रास्ता खराब होने की। पूरा नाम उस्ताद जी? मलिक मोहम्मद अली। उस्ताद जी के लिए क्लैपिंग करें जी सारे।
और उस्ताद जहाँ भी आप देखें रास्ता छोड़ें, उस्ताद को गुजरने दें और इनका एहतराम करें। माशरे में उस्ताद से बढ़कर जो है एहतराम किसी का नहीं है। सबसे बढ़कर वाजिबुल एहतराम जो है वो उस्ताद हैं, जिनकी बदौलत इस दुनिया में रोशनी की किरणें फैलती हैं। जी उस्ताद मोहतरम जी, इस आबादी के तकरीबन 100 बच्चा जो है ना उस स्कूल गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, लेकिन ये रास्ता ख़राब होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो लिहाजा मेरी अपील की जाती है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, कि खुदाया इस रास्ते को कम्प्लीट करें और 100 बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो डूब रहा है इस पानी में, उसको ठीक करें। एक अभी बच्चा है इधर पीछे ही है, समीर अली है उस बच्चे का नाम, वारिस उसके बाप का नाम है, उसकी टांगें टूटी हुई हैं, वो गिरा है इधर वो नाले में, तो साथ ही नाला मिला हुआ है उसमें गिरा है। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की तकरीबन 1 क्लास में है, उसके 9 साल उम्र है। अब कैसी तबीयत है उसकी? तो अभी जो है ना अगले हफ्ते उसके टांके वगैरह खुलने हैं, तो वो अभी जो है ना बेड पे ही है। नैन सुख यूसी वन शादरा इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बोर्ड है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का और यहाँ गेट के बिल्कुल सामने अगर आप लेफ्ट पे दिखाएंगे तो ये सूरत हाल आपके सामने, यहाँ से गुजरना नामुमकिन है। ये जोहड़ बन चुका है, TL हाई स्कूल है जी ये नैन सुख का, और इसके बिल्कुल साथ जो ना वो फातिमा मेमोरियल और लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तामन से ये गवर्नमेंट मरकज हिफाजती टीका जात, वो सामने आप बोर्ड देख सकते हैं। अपना क्या क्या चीजें स्लिप हो जाती हैं जी, यहाँ से कैसे गुजरते हैं लोग? बड़े भैड़े वाले लंघ दे रहे, मस्जिद की नमाज पढ़ी जाए तो उसे भी भैड़ा वाले, इतों बच्चे लंघ दे रहे, किताबा प्यो जाते रहे, कपड़े वर्दियां खराब करके ला जाते रहे, मामा ने कर देने फिर की कर रहे जी, बहुत भैड़ा वाले साढ़े पिंड का। सब्जियां बिक रही हैं, सब्जियों के नीचे देखें गंदे नाले, और ये जोहड़ और ये सीवरेज का प्रॉब्लम इस कदर बढ़ गया है कि अब ये कैंसर बन चुका है इस इलाके के लिए। अब ये देखें तारों के हालात, और यहां पार्किंग होना नॉर्मल सी बात है। आटा चक्की के बाहर के हालात देखें जरा, ये यहाँ के हालात हैं। ये मेरा ख्याल नाअहली है यहाँ के MPA MNA की, के वो अपने इलाके को नहीं संभाल सके, हर इलेक्शन में आके यहाँ नए नए वादे किए जाते हैं। जो ये जो है ना जी, ये जो तनकीद बाय तनकीद है ना जी, ये बहस लंबी हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों को यही नहीं पता कि ये कितने मेजरमेंट की लाइन है। देखना जिस बंदे को यही नहीं पता वो उसने फंड क्या रिलीज करवाना है। ये गवर्नमेंट 20 साल हो गए, अज तक नहीं होया जी, होने किसों करे दी ये काम जब शुरू हो रहा है ये दिसंबर से पहले हो जाएगा। आप आगे चेक कर सकते, दिसंबर तो बड़ी दूर है, इंशाल्लाह जून से पहले होगा, जून से पहले हो जाएगा। यहाँ के मकीनों से आपसे की बात करवाते हैं कि इन हालात में वो लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। ये बार्बर है, यहाँ लोगों की कटिंग वगैरह की जाती है, इन लोगों तक पहुँचना नामुमकिन है, लेकिन इनके मसाइल जो हैं वो बेशुमार मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हाल है आपके? बस ठीक है, देख लो की हाल है। किस तरह गुजारा कर रहे हो? बाहर किस तरह निकल ना बाहर निकले, बीमार बंदे हैं तो ना बाहर निकलिए तो ना देखिए, अंदर ही चढ़े हैं। अब देखो की हाल होया है, तुम आप देख लो। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹੇ। 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਯਹਾਂ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਗਟਰ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਬ ਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਬ ਸੇ ਇਹ ਗਟਰ ਬੰਦ ਪੜੇ। ਅਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਪੈ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਕੋ? ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ।
बीमार लोग हॉस्पिटल जाने के लिए बेशुमार उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और यहाँ से गुजरना नामुमकिन है। हॉस्पिटल भी जाना हो तो इनके घर के सामने ये मसला, और इस तरह नहीं, ये सैकड़ों घर हैं। सारा दिन लोग अगर यही सोचते रहें कि उन्होंने घर से बाहर कैसे निकलना है तो वो अपने काम कैसे निपटाएंगे, काम कैसे कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाजी, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजारा भाजी करते हैं यहाँ से? तो बहुत मुश्किल कर रहे हैं, हूँ आवाज आ रहा हो गए हैं, हूँ लंघन टप्पर तो आवाज आ रहा है, साड़ी गरीबा की कोई सुन नहीं रहा, बड़ी आवाज आ रही है, बच्चे डिगते ने, मसीते जाते ने गिर जाते ने, स्कूल जाते ने गिर जाते ने, असी निकले हैं गिर जाने हैं, असी बहुत तंग है, बहुत आवाज आ रहा है, असी इतों निकल नहीं सकते। हूँ तो यह है भी इतों सारी आवाम निकल जाए, साड़ी गरीबा की कोई सुन नहीं रहा, जिधर जाने वो गल ही नहीं सुनते, जिधर जाने वो गल ही नहीं सुनते, की करिए दसो। क्या नाम है बेटा आपका? पास आओ थोड़ा। अच्छा, किस क्लास में हो? थ्री क्लास में। तो कोरोना से पहले तो स्कूल आप जाते थे है ना? तो अब तो खैर बंद है स्कूल, छुट्टियां, तो कैसे यहाँ से निकलते थे, क्या करते थे? हम गिर जाते थे। स्कूल में आपकी दोस्त कौन सी, बेस्ट फ्रेंड कौन सी है? मिसबा। मिसबा को बताया कि आप इन हालात में रहती हैं? कभी नहीं बताया। उसके भी ऐसे ही हालात है। वो कहाँ रहती है? पता नहीं, उसका घर का तो नहीं पता। लेकिन उसने भी बताया वो भी गिर जाती है, और गिर के आप स्कूल नहीं फिर जा पाते, छुट्टी हो जाती है ना? चले जाते थे। फिर भी चले जाते थे कपड़े बदल के? हाँ जी। पानी अंदर है का। आ सकते हैं जी। हाल करो, बड़ा मजबूर हो गया है, तो हूँ तो ऐसी गल है गई है भी अंदर जे इतने असं मर जाए तो सानू इतने कौन कटेगा, बड़ी मजबूरी हो गई, मेहरबानी थोड़ी, कोई हाल साडा कढ़ो। सर यहाँ पे जनाजा उठाना यकीन करें हमारे लिए इस तरह होता है, अगर यहाँ पे कोई फौतगीदगी होगी तो हम दूसरे मले में ले जाते हैं ताकि वहाँ जाकर जनाजा पढ़ लें, जहाँ तो जगह नहीं है ना मीद उठाने की और ना यहाँ से जाने की। ये पैरेलल चलना पड़ रहा है, मेरे कैमरा मैन जो है वो उस पार है और वो साथ साथ मेरे चल नहीं सकते क्योंकि यहाँ माहौल और हालात नहीं है तो चल सके। भाई जी अस्सलाम वालेकुम। भाई जी कैसे निकलते हैं यहाँ से? बेटा बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल नाल इतने गुजरने, बीमार आ खरे खेडे वक्त नाल इतने गुजरने हैं, तो मेहरबानी थोड़ी जे इमरान खान कह के कुछ करवा दो। था यहाँ से तो आप गिर जाते होंगे? हाँ जी, बड़े बच्चे गिर जाते हैं, सारे हालात वेखो किवें असीं टप्पणे आ, किवें गुजरने आ, तो बड़ा हालात भैड़ा है। मेहरबानी है थोड़ी इमरान खान अरजोई कर। भाई जी क्या हाल है आपके? छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, बड़ा मसला होता होगा। क्या करें भाई, मजबूरी है, क्या करें, कुछ नजर नहीं आता, हम क्या करें, किसी को भी नजर नहीं आता, को क्या किसी को भी नहीं कुछ नजर आता, मजबूरी है, गुजर रहे हैं, जैसा भी वो कर देगा उसकी मेहरबानी, ना करेगा तब भी मेहरबानी, मजबूरी है। ये कोई एक घर नहीं है जी, सैकड़ों घर है और एक लंबी लाइन है, जहां आप चलते जाएं तो यहां आपका चलना माहौल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाजी, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह दा, साडा तां पुत्तर आगा दा मुकाब, होर कुछ नहीं, मेहरबानी तुहाडी आगा दा मुकाब। किदों तो भाजी? इहनू 2 महीने हो गए, इनके 3 गंद वज्जा सारा। किस तरह बाहर निकलदे हो, की करदे हो? आ धक्के खा के निकलदे, 2 वार तां डिग्गी खलियां ते 2 वार सट लवाई खली पैर ते। बच्चे छोटे छोटे भी बेचारे डिगते होंगे? बच्चे भी डिगते हैं, बड़े भी डिगते हैं, निक्के भी डिगते हैं। क्या हाल है जी, कैसे गुजारा कर रहे हैं? आ वेख लो गुजारा हो ही रहा है, गुजारे की केड़ी गल, हुण औखे सौखे गुजारा कर ही रहा है। क्या हाल है आपके? ठीक है सर। क्या बेच रहे हैं? प्रेशर कुकर, जूस वाली मशीनें बनाते हैं। इधर कोई खरीदता है? नहीं, गली मोहल्ले में इधर तो बड़ा बाजार है, बहुत परेशान हो गए हैं। गुजरते कैसे हैं, निकलते कैसे हैं आप? बस आज ही फंस गया हूँ मैं इधर आके। पहली दफा आए? हाँ जी। पहले ही आए? नहीं पहले नहीं आए। कैसा नज़ारा है? बहुत बाजार है, अपने काम ही नहीं कर सकते, ना किधर जा सकते हैं ना आ सकते हैं, जिधर जाता हूँ इधर ही फंस जाता हूँ आके। ये यहाँ की मजमुई सूरत हाल है, जहाँ शिबली टाउन के इलाके जो हैं इन सारे हालात से ना सिर्फ मुतासर हैं बल्कि बड़े बुरे तरीके से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत जदों की हुकूमत आई है उदों से गरीब जरूर है, सी गंदगी पसंद नहीं सर, पर गंदगी से हूँ सानू बहुत दल दल दे विच ना गुजारा करना पै रहा, बेटा डिगी हाँ, आ मेरा सारी लत सुजी पई है, तो किहड़े पास जाइए, ना कोई रस्ता है, ना कोई कितने बाहर निकलन, ना कोई घर जाने, पैर पक जा, बच्चे बीमार हो जाएंगे, की करांगे असीं, कित्थे जावांगे, जिन्हां दे करन वाले कोई नहीं, बच्चे बीमार हो जावन तो कित्थे जावन।
जे 12-12 हज़ार का ना कह के फिर वह भी ना दिता वह भी ना तो पुलिस वाले उतरा कट लिया वह भी सानू ना मिलिया ये क्या है जी पर वाह 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 विंग्स तो कोई इधर कैसे बेचते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत मुश्किल हो पे ये तो कोई गाहक नहीं आता है कहना बंद मजा पे है कोई गाहक नहीं आता ऐसे खड़े हैं बस के बस सौदे से पैसे चाचा के दिखाएं जरा अंदर मक्खियों के हालात जरा दिखाएं अंदर जरा कैमरामैन साहब दिखा सकें तो यहाँ गंदगी चूंकि इतनी ज़्यादा ये दुकान आप चलाती हैं हाँ जी बेटा मियाँ 3 साल का फौत हो गया बच्चे छोटे छोटे ने तो दुकान चलाई दी है ते आधी रोजी कमाई दी है बड़ा दलेरी नाल तुहानू माशाल्लाह करना पै रहा हाँ जी दलेरी नाल करना पै गया जिहड़ा फिर सिर ते पार आ जाए चुकना पैंदा है तो दलेरी दे नाल बाहर इस तरह के गंद ते बदबू ते गटर पूरे बह रहे होन मेरा बेटा ये जूद है नवे नवा पाकिस्तान बनया है उन्हें दिता है अगे फिर भी साफ हुंदे अंदर रहिंदे सी ते अगली हुकूमत तो साफ कराती रही थी इस हकूमत जदों की हुकूमत आई है उदों से गरीब जरूर है सी गंदगी पसंद नहीं सर गंदगी हूँ सानू बहुत दल दल दे विच ना गुजारा करना पै रहा बेटा डिगी हाँ आ मेरा सारी लत सुजी पई है तो किहड़े पासे जाइए ना कोई रस्ता है ना कोई कि बाहर निकलन नू ना कोई घर जाण नू ते आ सारा तोड़ तुसी अपनी अखां नाल तुसी वेख रहे हो कोई साडी जिंदगी है ना कोई नमाज पढ़न जोगिया ना कोई असी अल्लाह तो वाह असी मुसलमान हाँ साढ़े मुसलमानी तरीका को है कोई तरीका नहीं जोड़ा साढ़े बूहे दे अगे निरी गंदगी बनी पई है असी बाहर निकलें तो भी गंदगी जो अंदर बढ़ने तो भी गंदगी ए मेरा बेटा सानू ना आ कोई 2 साल हो चले ने यह दल दल च असी फसे पे हाँ तो कोई सोच साडा हल हो जड़ा को अप बैठे ने हुक्मरान अल्लाह उन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती दे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए वो सारे वादे भुल गए ने साड़ी जगह तो असी गंदगी च टुर रहे हैं साडा कोई ना कोई हल निकालिया जाए कोई साड़ी परेशानी जी उन्हें कोई ना कोई मुसलमान ने कोई हुक्मरान मुसलमान असी आख्या को होगा कि जरा साडा भी कोई सोचेगा असी जिदे जाने कोई साड़ी सुनता सुनता है कोई नहीं किन्ने बच्चे भाजी मेरे 3 बच्चे ने की करते हैं कुछ भी नहीं छोटे छोटे ने आ वेखा एक व्डा आए तो छोटा पढ़ते पढ़ते हाँ जी ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੈਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪੜਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ वादे करते रहे ने भी असीं इंज भी करांगे वह भी करांगे आ भी करांगे कोई वादा पूरा नहीं किया कोई किसी किस्म का काम नहीं किया जो पहली हुकूमत रही है ना सानू किसी चीज़ की परेशानी नहीं सी सारी साड़ी परेशानी जिहड़ी है ना वह खत्म नहीं सी बड़े सोहने बाजार सन बड़िया सोहनिया गलिया सन बड़ा सोहना सी हुण 2-2.5 साल हो गए असीं इस तरह गुजारा कर रहे हैं ये भाजी जहाँ खड़ी है ना जी उसके नीचे ये आप गलाजत का पूरा एक सिस्टम है यहाँ कोई छोटी मोटी गलाजत नहीं है इंतहा के मामलात हैं और इसे ना सिर्फ इसका नोटिस लिया जाना चाहिए बल्कि हायर अथॉरिटीज़ जो हैं सीएम पंजाब जो हैं इसका नोटिस लें और ये सारे जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जाए आप गंद में ही जा रही हैं क्या करें कितने जाइए निके निके बच्चे ने इत खाना भी लंघना भी बहुत बच्चे इतने भी करोना नहीं आ सकते हर पास करोना आती इतने नहीं आ सकते हर पास सड़क पास सड़क आने करोना करोना है गंद है इतने कोई करोना नहीं इतने करोना कोई नहीं इतने नहीं बंदे मार सकते वेखो यार कोई अपना गरीबों के महल च भी जाइए ये गरीबों के महल में नहीं आ सकते सारा कुछ वेखते पैने के भुल हैगी है वजीर आजम तक सब कुछ जा रहा है बैठे 12-12 हज़ार का लोगों ने दे के ला रहा तो वह भी नहीं दिते जेडे बेवा औरत निके निके बच्चे ने वो की करन वो जाके अंदर हाँ भी कितने जाव निके निके बच्चे लेके नया पाकिस्तान बनेगा नया पाकिस्तान बनेगा आ नई तब्दीली आ गई चंगा पाकिस्तान बनाया सोगल कर दिता है किसी किस्म का कोई किसी नु सहारा नहीं किसी किस्म का कोई किसी नु
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੁਰੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੈਰ ਪੱਕ ਜਾ ਸੁਣ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਣ ਜੇ 12,000 ਦਾ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਫਤਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦਮ ਨੀ ਪਿੱਟੀਏ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਆ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਗਟਰ ਮੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪ ਤੋਰ ਕਾਂ ਖੜੇ ਇਧਰ ਹੀ ਤੇ ਮਾਰਬਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਨੇ ਉਧਰ ਇਤਨਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਮੈਲ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਮੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਕਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਲਿੰਦੇ ਵੀ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਦਲ ਦਲ ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਾਵਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਬ ਸੇ ਇਹ ਜਬ ਸੇ ਇਹ ਗੰਦ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਇਧਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇਖ ਨਾ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਗਾਰ ਮੇ ਜਾਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਅਗਾਂਧੇ ਚ ਖੜੇ ਆ ਅਗਾਂਧੇ ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਬਾਵਨ ਡਿੱਗ ਪਈਏ ਇੱਕੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਆਖੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਗਲਾਜ਼ਤ ਔਰ ਗੰਦ ਮੇ ਲੋਕ ਇਨਕੋ ਚਲਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਾਰਾ ਗਟਰ ਕਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾ ਪਾਣੀ ਯੇ ਦੇਖੇ ਯੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਗਾਰ ਹੈ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਗਾਰ ਗਟਰ ਕੀ ਹੈਲਥ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੋ ਹੈਲਥ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਵੋ ਕਰੋਨਾ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਗਰ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵੋ ਆ ਕਰ ਦੇਖੇ ਯੇ ਕਰੋਨਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਮ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਲਦ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਇਹ ਸਭ ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਦੇਖੇਂਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਹਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਯਹਾਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇਖੇ ਛੋਟੀ ਖੰਭੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਗੰਦਗੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਬਦਬੂ ਕੇ ਭਭੋਕੇ ਔਰ ਇਨਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਬਖਰਮਾ ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਨਦੀਮ ਆਪਕਾ ਬੇਟਾ ਮੁਜੀਬ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾ ਆਪ ਉਸਨੇ ਆਣਾ ਬਸ ਕੋ ਕੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਕ ਹੈ ਕਿਆ ਸੁਣਾਏਂਗੇ ਅਭੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਨਾਚ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آ کے غریباں دیباں پھر لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آ کے غریباں دیباں پھر لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریب ਬਾਂਦੀ ਬਾਂ ਫਰ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਕਮਲੀ ਚ ਜਿਮ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਕਮ
कमली तिज मार के जिंदियां रावा बरे वेख दे रह गए जिंदियां रावा बरे वेख दे रह गए गोदी चुकया हलीमा ने सरकार नू गोदी चुकया हलीमा ने सरकार नू हुसन वाले खरे वेख दे रह गए कमली वाले मुहम्मद तो सदके मैं जा जिन्ने आ के गरीबां दी बां फैलाई माली उंगर जजाकल बेटा वो आता है तुम्हें दिल दिल पाकिस्तान आता है नगमा कोई भी नहीं आता। लोग सारे जो लाइन में लगे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे नीचे चल नहीं सकते और अगर नीचे चलते हैं तो ऊंधे मुंह गिर जाते हैं और ये बीसियों दफ़ा सैकड़ों दफ़ा गिर चुके हैं। ये नहीं गिरे तो इनके बच्चे गिर चुके हैं, बच्चे भी नहीं तो इनके रिश्तेदार ज़रूर गिरे हैं इस गंदगी और गलाजत के ढेरों में और इस गटर के पानी में। यहाँ की रहती आबादी सिसकती इंसानियत जो है वो शरापा मातम है और वो कहते हैं कि इन सारे मामलों को हल किया जाए, इनका नोटिस लिया जाए, इसकी ड्रेनिंग का मामला बेहतर किया जाए। नहीं तो हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ रहने वाला बच्चा कैसे क्रिएटिविटी को अडॉप्ट कर सकेगा। तखलीक के मरहले में अगर ये सारी चीज़ें आ गईं और ये गंद और ये रूढ़ी ये गटर के पानी बच्चे की तखलीक में रुकावट बनी तो नेशन का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि तखलीक करना, क्रिएटिविटी पैदा करना और फिर सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना वो ही इंसान का मकसद है। इंसान जो है वो इंसान के काम आए, उसकी खिदमत करे, यही इंसान का फरीज़ा है, यही इंसान का मकसद है। बेशुमार मकासद में सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो अपने बनिनो इंसान के किस तरह काम आता है। ये सशक्ति इंसानियत की जो तस्वीर है जो ना सिर्फ अरबाब इख्तियार से ये पूछ रही है कि उन्हें उनका राइट दिया जाए बल्कि ये भी पूछ रही है कि उन्हें बुनियादी इंसानी ज़रूरियात जो हैं वो उन तक बहम पहुंचाई जाएं ताकि वो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से, अच्छे ढंग से, अच्छे सलीके से गुजार सकें। फिर ये सारे इलाके अब दिल दिल पाकिस्तान आता है बच्चों, इसके साथ पढ़ना सब ने। क्या नाम है तुम्हारा? फहद। फहद बेटा सुनाओ। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां जिनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारमा, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। क्या बात है, खूबसूरत। इसके लिए तालियां नहीं बजाएंगे भाई? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां जिनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारमा, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं आपको दिखाता हूँ जी सूरत हाल, और इस सारी सूरत हाल के होते हुए लोगों का जीना मुहाल है। लोग ना सिर्फ जीने को तरसते हैं बल्कि इन हालात में उनके लिए ज़िंदगी बसर करना नामुमकिन है। इन लोगों को अगर आप गरीब समझते हैं, मतवसत तबके से भी निचली क्लास समझते हैं तो फिर तो और बात है, लेकिन अगर इनके राइट्स की बात की जाए, इक्वल ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो इनका राइट है कि इन्हें बुनियादी इंसानी ज़रूरियात जो हैं वो दी जाएँ, जो आईने पाकिस्तान इनको राइट देता है। और इन सारे राइट्स के होते हुए भी
अगर इन तक इनका राइट नहीं पहुंच रहा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका फिर अपने हुक्मरानों से, रूलिंग एलीट से एतमाद उठेगा और ये समझेंगे कि कोई इनका वाली वारस नहीं है। और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, और खुदा करे कि ये बच्चे जब स्कूलों को जाएं तो साफ़ सुथरा माहौल और अच्छे से सलीके और रंग ढंग वाली ज़िंदगी इनका नसीब बने, और ये बड़े होकर मुल्क व कौम की जब भागदौड़ संभालें तो बड़े आसान तरीके से लाहौर का, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अदरवाइज़ सूरत हाल आपके सामने है, खुदा ना करे कि ये बच्चे जो हैं अपनी मंजिल से पीछे रह जाए। क्या हाल है आपके चाचा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ये क्या है जी, पा रहे हैं? वाह वाह वाह, विंग्स पुरो जी, पुरो। तो कोई इधर कैसे भेजते हैं? बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाए पे। ये तो कोई गाहक नहीं आता है ना, गंद मजा पे है, कोई गाहक नहीं आता है, ऐसे खड़े हैं बस। बस सौदे से पहले चाचा के दिखाएं जरा अंदर, मक्खियों के हालात जरा दिखाएं अंदर, जरा कैमरामैन साहब दिखा सकें तो। यहाँ गंदगी चूँकि इतनी ज़्यादा, ये रेडी आमों वाली जा रही है, ये आपको देखें ज़रा किस तरह से ये यहाँ से निकलेगी और किस तरीके से जा सकेगी और आगे कहाँ जाएगी। इस वजह से यहाँ के लोगों के लिए रहना जो है वो नामुमकिन हो गया। अगर हम आगे का रुख करें तो आगे भी आपको ये कुल्फियों वाले भाई नज़र आएंगे, मेरे कैमरामैन क्लोज से दिखाएं, मक्खियों की बम्बार है यहाँ। और ये कुल्फियाँ खाने वाले लोग जो हैं अपनी सेहत की खैर मनाएं। यहाँ फूड आइटम्स बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और फूड आइटम्स को जो है इन गलियों में जहाँ गटर का पानी है, गंदगी है, गलाजत है, बदबू है, इन गलियों में बड़ा नामुमकिन हो जाता है। सबसे बढ़कर ये देख, फूड आइटम का स्टॉल लगा है, बारबेक्यू हो रहा है, और इसके बिल्कुल पहलू में ये आपको गंद और गलाजत के अंबार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंतज़ामी गफलत का मुंह बोलता सबूत है। बादशाह बास खान को शिबली टाउन लाहौर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।